अभी तक हमने क्या देखा था, सारे कंपाउंड में कार्बन 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 ऐसे क्या थे, स्ट्रेट स्ट्रेट चेंज थी, ठीक है। अब लेकिन अगर मुझे कोई कंपाउंड इस तरीके से मिलता है जैसे कि ये, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे और ये कंपाउंड क्या होगा, ठीक है ना। मानो एक कंपाउंड मिला कुछ इस तरीके का ऐसा, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे, या फिर लेट्स से कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कहानी में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक समझदार बच्चा बताएगा कि ये CH4 क्या होता है। मीथेन CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन CH4 क्या होता है? मीथेन अब यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन के साथ? चार। चार यहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स थे? चार चार। अब मानो मैंने ये चार बॉन्ड में से ये एक हाइड्रोजन हटा, क्या कर दिया, ये चार बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब ये चीज क्या बन गई कुछ इस तरीके से। एक इसका सिंगल बॉन्ड फ्री है, ये सिंगल बॉन्ड किसी भी चीज के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके के कार्बन जिसमें क्या होता है, एक बॉन्ड फ्री रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम यानी कि CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। क्यों मिथाइल? क्योंकि मीथेन से बना है। मानो अगर मेरे पास यहाँ होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या होता है? ईथेन। क्या होता है? ईथेन। अब अगर यहाँ एक बॉन्ड फ्री कर दूं और यहाँ लिख दूं CH2 और CH3, तो ये बॉन्ड फ्री है, ये किसी के साथ भी कैसे सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल। क्या समझ में आई बात? कंपाउंड है, इसके भी हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं करें, इसका एक बॉन्ड फ्री है तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर भी कितने? तीन, ठीक है ना। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ भी मिथाइल दिख रहा है, यहाँ भी मिथाइल दिख रहा है, और यहाँ पे भी मिथाइल दिख रहा है, लेकिन यहाँ मेरा धर्म बनता है सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का कि कलंक कार्बन एटम्स कहाँ आ रहे हैं। तो हमने कहा देखो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि इसमें चार कार्बन एटम आ रहे हैं। इस बात पे दोनों ने बोला नहीं दी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये भी हो सकती है, हम यहाँ से यहाँ चले जाए। तो मैंने कहा हाँ तो नहीं, वो भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो कार्बन तो कितने हैं, चार ही है। आ रही बात समझ में? फिर मिस्टी बोली नहीं दीदी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऐसे चार भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ, इधर से हो या इधर से हो, मुझे तो किस बात से मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ आ रहे हैं। तो क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में आ रहे हैं या इस चार की चेन में आ रहे हैं, तो हम लोग इसका नाम क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? ब्यूटेन, ठीक है। अब ये जो ब्यूटेन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसके ऊपर कौन लटक रहा है? CH3। कौन लटक रहा है? CH3। और CH3 का नाम अभी अभी हम लोगों ने क्या बताया? मिथाइल। क्या बताया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग CH3 की बात करें तो ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है, ये कौन से कार्बन पे लटक रहा है? इधर से देखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से देखे तो फर्स्ट सेकंड। हमारा केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलता है हमेशा छोटा नंबर लोगे। कौन सा नंबर लोगे? छोटा। तो यहाँ से अगर थ्री आ रहा है और यहाँ से अगर क्या आ रहा है, टू, तो हम लोग क्या लेंगे? टू। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? टू मिथाइल ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? शांति से देखो इसको एक बार, फिर नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखे तो ये कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे? तीन, CH3। इसका एक, इसका एक, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर कितना? तीन। अब अगर हम लोग यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने जाएं तो कितने तरीके की बन सकती है? देखो एक तो ये सीधी सीधी दिख रही है, ठीक है ना, हम चाहें तो एक ऐसे भी बना सकते हैं,
ठीक है, हम चाहें वो भी चार की बन रही, लेकिन हम चाहें तो एक ऐसी भी बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन बनाए कैसे भी, क्या सब में कार्बन एटम कितने आ रहे हैं? चार आ रहे हैं, तो इसका नाम हाथों हाथ हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। क्या लिख देंगे? ठीक है ना। अब अगर चार आ रहे हैं तो लेट से हम लोगों ने यही वाली चेन अज्यूम करी, ठीक है। इसपे कौन लटक रहे हैं? दो CH3 ग्रुप, तो इसको क्या बोल देंगे? मिथाइल। लेकिन हम इसको सिर्फ मिथाइल ना बोलकर क्या कहेंगे? डायमिथाइल। क्या कहेंगे? डायमिथाइल क्यों बोला? क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप से लटक रहे, है ना। अब नंबरिंग की बात आ जाती है, तो इधर से आ रहा है 1 2 3 4, यहां से आ रहा है 1 2 3 4, तो यहां से भी जा रहे हैं तो नंबर कौन से मिल रहे हैं? 2 और 3। यहां से भी आ रहे हैं तो नंबर कौन से मिल रहे हैं? 2 और 3। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 2,3-डायमिथाइल ब्यूटेन। क्या कहानी समझ में आई? देखो ये है CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH3, ठीक है ना। अब अगर यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो कितने कार्बन की है? यश, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है ना। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सेन। क्या कहेंगे? हेक्सेन। 7 की बता कहाँ से होगी? अगर यहां से जाएंगे तो भी 6 की हो रही है। मानो हम यहां से ना जाकर यहां से आते तो और 5 की हो रही है ना, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? हेक्सेन ही लेंगे इसको। अब अभी तक हम लोग क्या लटका रहे थे? अभी तक हम लोग CH3 लटका रहे थे। अभी तक हम लोग क्या लटका रहे थे? CH3। इस बार लेकिन जो लटक रहा है वो क्या है? CH2 CH3। ये कौन लटक रहा है? CH2 CH3। तो CH2 CH3 का नाम क्या होता है? इथाइल। क्या नाम होता है? इथाइल। तो यहाँ नाम हम लोगों ने क्या दे दिया इसको? इथाइल। कौन से कार्बन पे लटक रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर हम लोग इधर भी से आएंगे तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे? छोटा वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब दो तीन दो ऐसे करोगे? हाँ। ठीक है, एग्जाम में एक कंसेप्ट होता है, या हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फिनोमेना ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं क्या होते हैं आइसोमर्स, ठीक है ना। देखो क्या होता है, सपोज मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। क्या कोई मुझे बता सकता है C4H10 क्या होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या ही और वर्ड यूज करते हैं हम लोग? ब्यूट। ब्यूटेन तो ये C4H10 क्या होगा मेरे लिए? ब्यूटेन। अब अगर हम लोग ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो दो तरीके से बन सकता है। एक तो इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा कैसे बन सकता है?
क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होगा? हाँ, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? सिंपली ब्यूटेन, और इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा? 2-मिथाइल। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। इसको कहेंगे एन ब्यूटेन और इसे कहेंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? तुम लोग अब पेंटेन के आइसोमर्स बनाकर दिखाओगे, दैट इज C5H12। बनाओ। सबसे पहला आइसोमर तो स्ट्रेट चेन ही बनेगा, CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है ना? इसका IUPAC नाम होगा पेंटेन, ठीक है ना? और कॉमन नाम होगा एन पेंटेन, ठीक है ना? फिर हम लोग क्या करेंगे? चार की चेन बनाएंगे और एक लटका देंगे, ठीक है? CH3, CH3, CH2, CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? चार। चार कार्बन की है, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ठीक है ना? और सेकेंड इस पे मिथाइल लटक रहा है, तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, है ना? और इसका कॉमन नेम होगा आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा? आइसोपेंटेन। अब हम थर्ड चेन बनाएंगे, कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, और दो लटका देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। CH3, 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 ठीक है ना? अब लॉन्गेस्ट चेन कितने होंगे? तीन, तीन की। तो इसका नाम क्या प्रोपेन रहेगा? 2-2-डायमिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना? और इसे कहेंगे नियो पेंटे, ठीक है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्राइमरी कार्बन वाले जितने भी रहते हैं उनको नॉर्मल एन पेंटेन बोलते हैं, जहां पर सेकेंडरी कार्बन आता है उसको आइसो बोलते हैं, जहां पे टर्शरी आता है उसको नियो बोलते हैं। बट वो सारे खेल इस साल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? सिर्फ आगे जाए, उसको पता नहीं।